आपको खबर तो मिल चुकी होगी, इंडियन एयरलाइंस का हाईजैक प्लेन लैंड हुआ। टीम हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। 10-12 हॉस्टेजेस के जान लेना तुमके लिए बड़ा बात नहीं है। ये सब मामले डिप्लोमेसी से हल किया जाता है। क्यों होते हैं बॉर? क्या वजह थी तेहरान के बॉर की? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साक्षम और आप देख रहे हैं बॉडीगार्ड स्टूडियोज। दोस्तों, साल 1757 जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के इरादे से आई थी, तब शायद ही किसी को पता था कि ये भी बाकी देशों की तरह हमारे देश को लूटने आई है। सन 1857 तक ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए हमारे देश पर अपना पूरा शासन चलाया और 1857 की क्रांति के बाद इंडिया ब्रिटिश राज के डायरेक्ट रूल में आ गया, यानी यहां पर डायरेक्ट इंग्लैंड की महारानी का आदेश चलेगा। आजादी की बात हुई तो अंग्रेजों का यही कहना था कि यूरोपीय देशों को छोड़कर बाकी सारे देश के लोग जाहिल हैं और शासन और सत्ता के लायक नहीं है। ऐसा रवैया यूरोपियन देशों का सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि बाकी सभी देशों के लिए था। इसीलिए उन्होंने अमेरिका में रहने वाले ट्राइब्स के लोगों को एजुकेट करने के नाम पर वहाँ के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल्स में जबरदस्ती भेजा और उनकी कल्चर को बदलने की कोशिश की। उन्हें बाहर कहकर कत्लेआम किया और आज ये हालत है कि शायद ही अमेरिकन के नाम पर लोग रेड इंडियंस को पूछते हैं। जहां एक समय पर रेड इंडियंस रहते थे, वहां पर अब ब्लैक एंड व्हाइट का रेडिज्म देखने को मिलता है। यूरोपियन देशों ने पूरी तरह से रेड इंडियंस का वजूद मिटा दिया और ब्लैक लोगों को वहां पर, यानी कि अफ्रीकन लोगों को इसलिए लेकर गए ताकि उन्हें वो अपना गुलाम बनाकर रख सके। अपने आप को सबसे ऊंचा समझना और अपने धर्म को सबसे ऊपर समझाना, ये चलन आज से नहीं बल्कि बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। और ये साबित करने के लिए दूसरे देशों को खात्मा कर देना और वहाँ के लोगों का अस्तित्व मिटा देना, ये भी हमने यूरोपियन देशों के आक्रमण के दौरान देखा था। अब कोई हिस्ट्री क्लास तो है नहीं जो हम आपको ये सब बता रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं जॉन अब्राहम की अपकमिंग फिल्म तेहरान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तेहरान ईरान का कैपिटल है और 80 के दशक में ईरान की इराक से जंग हुई थी। हालांकि जंग बॉर्डर के मसले को लेकर हुआ था, पर अंदरूनी वजह कुछ यही थी कि एक देश को दूसरे देश की सत्ता और धर्म समुदाय को खुद से ऊपर दिखाने की होड़ लगी थी। सत्ता पलट सत्ता के लिए जंग और धर्म सुपरमेसी के नाम पर लोगों का इस्तेमाल करना, ये सब पहलू भी हमें तेहरान के वॉर में बाखूबी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी इस वॉर के पीछे कई पहलू छुपे थे, दूसरे देशों के अपने फायदे छुपे थे जिसके कारण आम जनता की जिंदगियां कुर्बान हुई। इन्हीं सब कहानियों को बड़े पर्दे पर लेकर आ रही है जॉन अब्राहम अपनी फिल्म तेहरान में। क्या सक्सेसफुल होगी ये फिल्म, ये तो वक्त ही बताएगा। आप बताइए तब तक आपको हिस्ट्री का कौन सा इवेंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है? क्या आपको पता है तेहरान की इस वॉर के बारे में? क्या फायदा था दूसरे देशों का इस जंग से? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। और तब तक के लिए देखते रहिए बॉडीगार्ड स्टूडियोज़।